इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुकी हैं कालिंग नंदी शर्मा और अजमेर से हैं। ये सरकारी स्कूल में टीचर भी हैं और कोरोना महामारी के दौरान इनको एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। हमने लगातार देखा है कि कोरोना महामारी के दौरान कई ऐसे मरीज हैं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन्हीं में से ये भी एक हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर इस कोरोना महामारी के दौरान इनके साथ क्या समस्या हुई और उस समस्या से कैसे ये बच पाई हैं। मैडम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस कोरोना महामारी के दौरान आपको कौन सी बहुत बड़ी समस्या हुई थी? हमको मालूम पड़ा कि आपको अस्थमा का अटैक हुआ था और उसके बाद क्या दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? जी सील जी, सबसे पहले तो एमटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझसे संपर्क किया। दरअसल 5 तारीख को मुझे मैसिव अस्थमा अटैक हुआ था और उससे पहले भी चूंकि मेरे में अनरेस्ट था ब्रीदिंग में, तो एक जागरूक नागरिक होने के कारण मैं ये चाह रही थी कि किसी तरह से जेएलएन से मेरा संपर्क हो जाए, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल से, जिससे मेरा एक बार और नहीं तो वो तो ठीक है पर कोरोना टेस्ट हो जाए मेरा। लेकिन जब भी मैं सीएमएचओ साहब को फोन करती हूँ उनका फोन बिजी आता, पर यूनाइटेड अजमेर की हेल्पलाइन से अर्पिता त्यागी जी से मैंने संपर्क किया, उन्होंने मेरे को सीएमएचओ साहब का नंबर दिया, उसके बाद मैंने संपर्क किया तो भी बिजी आया। एनीवेज अर्पिता जी ने संपर्क किया तो उन्होंने ये कहा, सबसे पहले अर्पिता दीदी के माध्यम से मुझे ये मालूम पड़ा कि उनका कथन था कि पहले मैं अपने फिजिशियन से संपर्क करूं। दरअसल मैं मेरे फिजिशियन तो से तो मैं लगातार संपर्क में थी ही डॉक्टर विनीत गर्ग से, लेकिन उन्हीं के सजेशन से मैं चाह रही थी कि मैं तो जेएलएन के डॉक्टर देखें। एनीवेज ये चीज हो गई। 2-3 दिन के बाद मेरे को मैसिव सुबह 6 बजे अटैक आया, बहुत ज्यादा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने 108 को संपर्क किया क्योंकि मैं लगातार अखबार के जरिए और रेडियो वगैरह के जरिए और ये जो फेसबुक पे जो चैनल्स चल रहे हैं उनके जरिए मैंने ये देखा कि अगर आप बीमार हैं तो आप 108 को कॉल कर सकते हैं। एनीवेज मैंने वहां 6-7 बार कॉल किया, किसी ने उठाया नहीं। फिर मैंने वापस सीएमएचओ साहब को संपर्क किया, इससे पहले मैं अपने फिजिशियन को संपर्क किया डॉक्टर विनीत गर्ग से, कि उन्होंने कहा कि अब तो हाई टाइम है मैडम, आप तत्काल जेएलएन जाइए। दरअसल सुशील जी, मैं अकेली रहती हूँ ना, तो फिर उसके बाद मैंने मिस्टर सोनी को, डॉक्टर सोनी जो सीएमएचओ है जेएलएन के, उनसे संपर्क करने की कोशिश करी। एक बार तो उनका बिजी आया, काट दिया। फिर दूसरी बार उन्होंने मेरे को कहा कि आप, मैंने पूरी अपनी पृष्ठभूमि बताई, क्या तकलीफ है ये बताया, तो उन्होंने कहा आप 108 को संपर्क करें। मैंने कहा मैं 6-7 बार संपर्क कर चुकी हूँ पर वो उठा नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई बिजी आ रही होगी लाइन इसलिए नहीं उठा रहे। एनीवेज फिर उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस दीजिए, मैं उनसे संपर्क करता हूँ। तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस दिया। अब आगे की जो बात है आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन्होंने मेरा नंबर दिया होगा हेल्पलाइन को, 108 को, फिर 108 वालों ने मेरे से बात करी। मैं बोल भी नहीं पा रही थी और फिर वो तरह तरह के मेरे से सवाल कर रहे थे। देखिए इमरजेंसी ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। आप उसको, आपको ये देख, अच्छा फिर मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे आप कहाँ रहते हो, ये तो खैर मुझे बताना ही था कि मैं कहाँ रहती हूँ, पर उनको ये नहीं मालूम था कि सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल कहाँ है। तो मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनको ये नहीं मालूम है सेंट मेरीज स्कूल कहाँ है। मैंने फिर ये कहा कि चलो मैं एक्चुअली आर्यनगर रहती हूँ, तो मैंने उनका कहा चलो इधर से नहीं आ सकते, कि आपका खाना क्या पड़ता है? अरे मेरा खाना कहीं भी पड़ता हो, 108 इमरजेंसी है, क्या उनका दायित्व नहीं था तत्काल मेरे तयवे स्थान से आ जाए? बिल्कुल। फिर कहने लगे कि मैं अजमेर का नहीं हूँ साहब, मैं तो, हम तो अजमेर का कुछ नहीं जानते। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ पुलिस वालों से, जो भी 108 पे ड्यूटी लगाते हैं ड्राइवर,
ये ऐसे ड्राइवर्स को क्यों लगाया गया जो अजमेर का टोपोग्राफी जानते ही नहीं है कि कौन सा आर्य नगर कहाँ है, और इमरजेंसी में कोई पेशेंट इतनी बात कर पाएगा जिसको बिल्कुल स्पेशलिस्ट हो रही है। बिल्कुल। और सिर्फ अंत तो गतवा मैंने उनको बताया भैया एक बड़ा फेमस पिक्चर हॉल है पुराना मृदंग, आप वहाँ आ जाइए। मैं अंदर रहती हूँ विजय जैन जी जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनके घर के पास, उनके घर के भी पीछे। तो इस हालत में उन्होंने वो राजी हो गए कि हम मृदंग तक तो आ जाएंगे, उसके मतलब अंदर नहीं आएंगे। अब आप ये प्रश्न उठता है कि जो दमे का मरीज है जिसको मैसिव अटैक है, मैं गई फिर भी मैं हिम्मत करती क्योंकि मैं चाह रही थी कि इमीडिएट मेरे को रिलीफ मिले और मेरा टेस्ट भी हो जाए। मैं बड़ी मुश्किल से पैदल चल के गई हूँ मृदंग तक, और क्योंकि लंग्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से जोर पड़ रहा था, आज मुझे बोलना तो अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा तो मेरे कपड़ों में शॉर्ट तक हो गया। एनीवेज वो लेके गए मेरे को इमरजेंसी में, वहाँ पे डॉक्टर जो थे उन्होंने कहा आप अकेले आई हैं तो मुझे एक और व्यक्ति को बुलाना पड़ा मेरे स्टाफ से, उन्होंने पेपर्स से साइन किए, पेपर्स औपचारिकताएं। मैं लगभग 8 बजे पहुंच गई थी जेल, इस सब चीज में 7:30-8 बज गए थे। फिर वो ये चाह रहे थे कि मेरा एक्सरे हो जाए, तो उन्होंने जो इमरजेंसी मतलब क्या, वो हमको दो जगह हमको कहा कि वहां जाइए हार्ट का जो रिंग है वहां जाके आप एक्सरे कराइए। तो मतलब आप खुद जाकर एक्सरे कराइए ये कहा अस्पताल में? जी हाँ, जो मैं जिसको एक और व्यक्ति को मैंने बुलाया था स्टाफ से, मैं प्रिंसिपल हूँ बड़िया में, तो मेरे जो स्टाफ में जो क्लर्क हैं मिस्टर अशोक कुमार गर्ग, उनको 10 मिनट में आ गए थे 8:15 बजे तक, तो वो बेचारे मुझे लेके कभी इधर और कभी उधर घूम रहे थे जिससे एक्सरे हो जाए। अब वहाँ एक्सरे वाला भी हमको एंटरटेन करने को राजी नहीं था, बड़ी मुश्किल से 20-25 मिनट के बाद उसने एक्सरे करा है और नेबुलाइज करा है। डॉक्टर भी ऐसे कर रहे थे जैसे कि कोई मतलब ये घोषित हो गया है कि मेरे को कोरोना हो गया है, इस तरह का बिहेवियर। और उसके बाद भी मतलब आज जो व्यक्ति ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है उसका इलाज कितने बजे शुरू हुआ? 10 बजे। तो ये जो और आपका अस्थमा का अटैक कितने बजे आया था मैम? मेरे को तो 6:30-6:30 बजे से मेरे को बहुत बुरी तरह से अटैक था मॉर्निंग में। जी हाँ। तो दर्शकों को हम बता रहे हैं कि ये बेहद कई लापरवाहियां दिखाता है कि किस तरीके से जो अस्पताल प्रशासन है उसकी कितनी बड़ी लापरवाही है। अस्थमा के पेशेंट के लिए हम आपको बता दें कि अस्थमा का पेशेंट जो होता है जब उसको अस्थमा का अटैक पड़ता है तो उसका चलना भी दुश्वार हो जाता है, उसको सांस लेने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, और आप समझ सकते हैं कि जब सांस नहीं आती है तब हालात किस तरीके के हो जाते हैं। आगे का मैम मैं घटनाक्रम आपसे जानना चाहूंगा कि आगे इसके बाद में आपको रिलीफ कितनी देर में दिया गया और अस्पताल की ओर से क्या कोरोना की जांच भी की गई, अस्पताल में किस तरीके की खामियां आपको नजर आई थी? देखिए मेरे को प्राथमिक जो भी उपचार होता है जैसे नेबुलाइजेशन है, ऑक्सीजन चढ़ाना है, और भी अस्थमा के डेरिसाइडिन वाले इंजेक्शन होते हैं, और भी जो भी मतलब अस्थमेटिक अटैक की जो भी उपचार होता है, मेरे को 10 बजे से मुझे चालू किया गया 9:30-10 बजे से, और मेरा ब्लड टेस्ट भी लिया गया। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई ब्लड क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि आपको कोरोना हो, आपको दूसरा इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो एनीवेज उसके बाद हमको मेरे को आइसोलेशन वार्ड में लेके गए थे, वहीं पे मुझे एक बार तो एक्सरे करा था तब मेरे को नेबुलाइज कर दिया था, फिर वो इमरजेंसी वाले जो आइसोलेशन वार्ड बनाया है वहाँ पे लेके आए मेरे को, और वहाँ पे भी नेबुलाइज किया और ऑक्सीजन चढ़ाई। वार्ड तो सुशील भाई बिल्कुल क्लीन था, मतलब अच्छा फॉर सरप्राइज क्लीन था, बट टॉयलेट बहुत ज्यादा गंदे थे। ठीक है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए वो भी थी वार्ड में, ये
एक और दो बेड छोड़ के मरीजों को लटाया गया था और मैं ये चाह रही थी कि भाई मेरा जो मेन दर्द था, मैं दिलीप गर्ग जी के हॉस्पिटल में भी अपना अस्थमा का उपचार करा सकती थी, पर मैं ये चाह रही थी क्योंकि ब्रेथलेसनेस इज अ मेजर सिम्टम ऑफ कोरोना, तो मेरा जेल जाने का उद्देश्य यही था कि मेरा कोरोना टेस्ट हो जाए। वो कोरोना टेस्ट मेरा 4:15 हुआ है और उसके बाद 9:30-9:30 मेरी रिपोर्ट आई है और इस तरीके का मैंने माहौल देखा तो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ। मैं इस चीज ये इशू नहीं उठाना चाह रही थी पर फिर भी मुझे लगा कि आज मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये कोरोना महामारी के दौरान आप जैसे बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको ऐसी समस्याओं का सामना हो सकता है, उन्होंने किया हो, और ऐसा सरकार प्रशासन और लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे हालातों में हमें आप जैसे जो और मरीज आसपास में रहते हैं उनकी मदद करनी है, उनको अस्पताल तक पहुंचाना है। किसी प्रकार से कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति राजस्थान के अंदर तकलीफ में नहीं रहना चाहिए। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त आपकी तबीयत कैसी है? पहले से तो बेटर है, काफी बेटर है, पर जब मैं चलती हूँ तो फिर मेरे को रेस्टलेसनेस होती है। तो अभी जो मेडिकेशन दिया है मैं नहीं समझती हूँ कि वो ठीक मेडिकेशन, मतलब ऐसी मेडिसिन दिए जो टाइम लगेगा मतलब ठीक पूर्णतया स्वस्थ होने में। अच्छा, अभी अभी आप घर पर हैं या अस्पताल में एडमिट हैं? नहीं नहीं, मेरे को नेगेटिव 9:15-9:30 5 April को जब रिपोर्ट आ गई जी तो नेगेटिव थी, तो उन्होंने कहा कि अभी मैडम आप कैसे जाओगे घर, आज कल सुबह चले जाना। तो शील जी मैं तो बहुत घबरा गई थी टॉयलेट देख के जी। तो मैंने कहा नहीं मैडम मेरे को माफ करो सर, मैं तो अपने घर जाऊंगी जी। तो फिर मैंने किसी को बुलाया जी। और वो फिर डिस्चार्ज टिकट लेके हम लोग घर आ गए, मैं आ गई हूँ घर पे जी जी। तो ये कंडीशन है सर, मैं ये चाहती हूँ कि CMHO साहब और कलेक्टर साहब थोड़ा सा सर, एक मेरे बाद एक पेशेंट आया था वो बहुत ज्यादा सीरियस था, वो आया था करीब 4:15-4:15 के आसपास जी। उसको मतलब स्ट्रेचर से बेड पे मतलब लेटाने के लिए नर्सिंग स्टाफ आना तानी कर रहा था। अच्छा, छूने से मतलब झिझक रहे थे। अच्छा, तो फिर अब हम इतनी बड़ी बातें करते हैं कि इतना सब कुछ हम उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं जी। नर्सिंग स्टाफ को और डॉक्टर्स को जो 24/7 काम कर रहे हैं और फिर एक अमानवीय रवैया से छूने से हिचकिचाहट हो रही है। मैं मान रही हूँ कि वो हाई रिस्क पे है, ये इससे कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये डॉक्टर्स एंड पुलिस पीपल एंड जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, पत्रकार भी आए इस पे है, लेकिन हम उनको सलाम करते हैं पर वो एक्चुअली उनको फिर अपने दायित्व के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, सभी को अपने दायित्व के प्रति ईमानदार रहना चाहिए जी। हो सकता है ये एग्जाम्पल अपवाद हो, लेकिन जो मैंने देखा जो महसूस किया वो मैंने आपको नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई है, ये हमारे सिस्टम की हमारे व्यवस्था की सच्चाई है और इस सच्चाई को आपने जिस तरीके से बताया है ये बेहद जरूरी है। ये प्रशासन, अजमेर के कलेक्टर और चिकित्सा मंत्री दोनों का जानना भी बहुत जरूरी है कि किस तरीके से चिकित्सा विभाग जो दूसरे मरीज हैं कोरोना के अलावा उनको किस तरीके से इस वक्त ट्रीट कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से चल रहा है, हालात कैसे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आपने NCTV इंडिया से अपनी पूरी बात को रखा, जो समस्या आपने वहां पर देखी उसको रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आप फील्ड में इतने सतर्क रूप से काम कर रहे हैं। जय हिंद, सैल्यूट टू ऑल द जर्नलिस्ट ऑल्सो।